हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफी गर्भवती महिलाओं की क्वेरी होती है कि आखिर लड़का होने के कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा सही माने जाते हैं और बहुत चर्चित भी हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, समझना है, ताकि आपके जितने डाउट है ना लड़का होने के लक्षणों को लेकर, वो सारे एकदम क्लियर हो जाएं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं हमेशा बताती हूँ और इस वीडियो में भी बताना चाहती हूँ, वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपके डाउट को क्लियर करना है, वीडियो बनाने का मतलब आपको सही जानकारी देना है, वीडियो बनाने का मतलब जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप गलत तरीके से और सीरियसली बिल्कुल भी ना लें, ठीक है? तो आइए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। ये करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं लड़का होने के लक्षणों के बारे में। नंबर वन, माना यह जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर एक महिला को बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है। अब होता क्या है, जब एक महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। उनमें से एक बदलाव ये भी है, क्रेविंग होना। क्रेविंग आपको कई तरह की हो सकती है, जैसे कि आपको मीठा खाने का भी मन कर सकता है, आपको मीठा अच्छा लगने लगेगा, और काफी महिलाओं को तीखा पसंद आने लगता है। तो ये अपनी अपनी क्रेविंग होती है, किसी को मीठा खाना पसंद होता है तो किसी को तीखा खाना पसंद होता है। लेकिन माना ये जाता है कि जिन गर्भवती महिलाओं को मीठा खाने की ज्यादा इच्छा रहती है, मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ऐसे में बेटी होने के संकेत होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपको नमकीन, चटपटा, स्पाइसी खाने का मन करता है, तो ऐसे में बेटा होने के साइन होते हैं, बेटा होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि क्या ये बात सही है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम आपके डाउट को क्लियर करते हैं। अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी वीडियो बकाया है, सही जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये चीजें आपके हार्मोनल बदलाव के ऊपर डिपेंड होती है। क्रेविंग कई महिलाओं को होती है, लेकिन हर एक गर्भवती महिला को भी क्रेविंग नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में आपको मीठा बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ज्यादा मीठा मत खाइए। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा डायबिटीज है, उन महिलाओं को मीठा नहीं खाना चाहिए। अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, आपको बार बार यूरिन आने की समस्या होती है प्रेगनेंसी में, तो भी आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे से परहेज करनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि जिन महिलाओं को क्रेविंग होती है तीखा, चटपटा, स्पाइसी खाने की, तो उन महिलाओं से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल करना है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का जो विकास है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है, उसे परेशानी हो सकती है। आप अपनी क्रेविंग को कंट्रोल नहीं करेंगी तो बेबी को दिक्कत हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद आ रहा है और आप खा भी रही हैं, तो इससे आपको भी दिक्कत होगी तो होगी, लेकिन बच्चे को परेशानी होगी। आपको पेट संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं, लूज मोशन हो सकता है, पेट गड़बड़ा सकता है, गैस, एसिडिटी, अपच की प्रॉब्लम हो सकती है, और बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, बच्चे को घबराहट हो सकती है, बच्चे का दम भी घुट सकता है। तो ऐसा भाई आपको नहीं करना है, चाहे कितनी भी क्रेविंग हो, आप अपनी क्रेविंग पर कंट्रोल करिए, ताकि होने वाले बच्चे को खतरा ना हो। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रही हूँ कि क्रेविंग से ये मीठा खाना या तीखा खाना, ये अपनी अपनी क्रेविंग होती है और ये हार्मोनल की वजह से होती है, हार्मोनल परिवर्तन के ऊपर ही ये चीजें डिपेंड होती है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी ना, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा मन करता है काफी महिलाओं का, अजीब अजीब चीजें खाने का, लेकिन ऐसा नहीं है जो चीज मन में आए वो खाने लगे। काफी महिलाओं को तो मिट्टी खाना पसंद आता है, काफी महिलाओं को आता है, काफी महिलाओं को चौक खाना पसंद आता है, लेकिन आप खाएंगी तो नुकसान भी तो होगा ना। तो ये चीजें गलत है भाई, ऐसी क्रेविंग पर कंट्रोल करिए। हाँ, आप क्रेविंग हो रही है तो अच्छी चीजें खाइए, आप ड्राई फ्रूट खाइए, ठीक है, भिगो के ड्राई फ्रूट सुबह खा लीजिए, तो वो फायदा करेंगे, बच्चे की ग्रोथ में भी काफी मदद करेंगे,
ठीक है, बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसमें काफी मदद होगी। तो किशमिश खा सकती है, क्रेविंग हो रही है, लेकिन भाई ऐसी चीजें आप बिल्कुल मत खाइए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे हैं, ठीक है। साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।